हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो वर्तमान समय की परिस्थिति है, एक वैश्विक महामारी आई हुई है और जिससे पूरा विश्व सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने विद्यालय, विश्वविद्यालय, सारे सभी संस्थाएं वगैरह बंद है। तो इसी स्थिति में बच्चे जो घर पर रहकर भी अपने समय का सदुपयोग अच्छे से कर सके, इसीलिए हमारे जालौर के रमेश जी सर ने एक नई शुरुआत की है, जिसके तहत इन्होंने एक यूट्यूब चैनल की मतलब नींव रखी है और उसमें हमें भी सहयोग के रूप में हमारा साथ लिया। इसके लिए इनके बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप प्रसारित करें, जिसके माध्यम से जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है इसका लाभ उठा सकें। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री को पढ़ाऊँगा, इतिहास, जो अपने क्लास ट्वेल्थ से शुरुआत करेंगे और आगे सही रहा तो इलेवंथ और टेंथ को भी अपने तैयारी की सामाजिक वगैरह भी पढ़ाएंगे। तो इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता है। आज अपन मैं शुरुआत करता हूँ अपने ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री के, मतलब जो वर्तमान में RBSE की किताब चलती है उसके माध्यम से, जिसमें आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा, इसमें अपने जो ट्वेल्थ क्लास है उसके अंदर टोटल ने 7 लेसन दे रखे हैं और जिसके अंदर अपने संपूर्ण मतलब शुरुआत से लेकर जो भारत की आज़ादी होती है वहाँ तक का अपने इतिहास दे रखा है। अब मुख्य बात है कि इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट होने के कारण अब उसमें से सारी बातें तो ले नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसमें से अपने मुख्य मुख्य टॉपिक है उनको उठाकर यहाँ पर लिया गया है और उनको अच्छे से इसमें लिया गया है। जैसे कि अपन के शुरुआत करते हैं, अपन सीधा इस स्टडी पे आते हैं, तो अपन ने देखा इसका पहला जो लेसन है जिसमें दे रखा है कि भारत का वैभवपूर्ण अतीत, मतलब जो भारत का अतीत है, जो अपने पीछे वाला इतिहास है, उसके अंदर से कौन सी ऐसी बातें हैं जो, जैसे अपन कोई भी किताब उठा कर लेते हैं तो अब जैसे अंतिम समय में अपन परीक्षा के समय में क्या रिवीजन करते हैं कि उस पाठ के अंदर मुख्य बातें कौन सी है या जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कौन सी है उन्हीं को पढ़ते हैं। तो ऐसे कैसे अपने जो इतिहास की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कौन कौन से अपने समय हैं, काल है, जिनका अपन के लिए अपने जीवन में भी महत्व है या किसी भी कंपिटिशन एग्जाम के अंदर अपन बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास अपने आप में एक सभी सब्जेक्टों की जननी कह सकते हैं, क्योंकि मान लो अपन साइंस से लें या कॉमर्स लें तो उनके भी पीछे जाएंगे, तो जितने भी विषयों के बारे में अपन जो पुरानी बातें दिन करते हैं वो सारे इतिहास में आती है। तो अब इसके वैभवपूर्ण अतीत के अंदर अपन देखेंगे किस किस प्रकार से भारत के अंदर कौन कौन से राजवंश हुए हैं या उनके समय में कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातें की गई, उनके अंदर कौन कौन से विभिन्न प्रकार के आयाम रचे गए, उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। और इसके अंदर जो मुख्य रूप से बांटा गया है इसको कि अपन को इतिहास की जानकारी किससे होती है, इनके स्रोतों के बारे में इनके अंदर जानकारी दे रखी है और जिसमें अभी मुख्य रूप से अपने इसके दो भाग दे रखे हैं पहले पार्ट के, जिसके अंदर पहला है ऐतिहासिक स्रोत जिसके अंदर जो अपन को इतिहास के रूप में लिख के पाए गए हैं उनके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होगी, और उसमें भी कौन से ऐतिहासिक स्रोत, हम साहित्यिक स्रोत। अब आगे जब अपन क्लास पढ़ेंगे उसमें विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से ऐतिहासिक स्रोतों को भी 3 भागों में बांटे गए हैं। फिर इसमें आते हैं पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत वे हैं जिनको अपन देख या छू सकते हैं, तो वो सारे पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। तो उनमें भी कौन कौन सी है, जैसे अपन देखते हैं शिलालेख है, भवन है, मुद्राएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो अपन को खनन में अवशेष प्राप्त हुए, जैसे वर्तमान की अपन बात करें तो जो जैसे अपने अयोध्या का जो मामला हुआ था बाबरी मस्जिद वाला, तो उसमें जैसे वहाँ पर आगे वाली पार्टी ने लगाया कि भाई कैसे सम्माने कि भगवान राम हुए हैं, तो फिर भारतीय जो विभिन्न राजवंशों ने अपने तथ्य प्रस्तुत किए, जिसमें अपने जयपुर के राजघराने ने भी प्रस्तुत किया कि हम भाई उस वंश से संबंध रखते हैं, इस प्रकार से प्रमाण दिए उन्होंने, साहित्यिक प्रमाण। और वर्तमान में जो वहाँ पर समतलीकरण हो रहा है तो उनमें भी विभिन्न प्रकार के अपने अवशेष निकल रहे हैं जिसमें मूर्तियाँ वगैरह निकल रही है, तो अपन को ज्ञात होता है कि भाई यहाँ पर पहले कोई मंदिर वगैरह बहुत सुदृढ़ अवस्था में रहा होगा, उन भग्नावशेषों से अपन का जानकारी मिलती है, तो वो इसको इतिहास के जानने के हो जाएंगे पुरातात्विक स्रोत। फिर अपने इतिहास के अंदर क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो इतिहास के अंदर अपन तत्कालीन समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वहाँ पर किस प्रकार से आय के स्रोत थे, किस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्थाएं चलती थी, और उन्हीं को अपन अपनाते हुए वर्तमान में भी अपन उन तत्कालीन हजारों समय से जो चली आ रही परंपराओं को अपना रहे हैं। जैसे अपन बात करें कि अपने यहाँ पर पीपल की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, मॉर्निंग में सूर्य को जल वगैरह चढ़ाते हैं, तो ये परंपरा किसने बनाई, कहाँ से बनाई, इनका अपन को प्रमाण नहीं है, लेकिन ये हजारों सालों से अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपन को ये जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ये सारी जानकारी अपन को किसके माध्यम से प्राप्त हो रही है, इतिहास के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इस बार पहले अध्याय का अपने 10 नंबर पूर्णांक का है, जो अपने टोटल 20 नंबर तो स्कूल से जाते हैं और 80 नंबर का
पेपर है जो अपने वहाँ पर बोर्ड परीक्षा के अंदर होता है, तो उसमें से 10 नंबर का इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और इसमें समस्त जो पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से अपन को इतिहास की जानकारी मिलती है वो पढ़ेंगे, और इनके अलावा जितने भी भग्नावशेष या अभिलेख जैसे अशोक के अभिलेख मिले अपन को, जिनसे अपन को तत्कालीन मौर्य समाज की जानकारी मिलती है, सातवान वंश के जो अपन को अभिलेख मिले हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी वगैरह के, तो उनको सातवान वंश की जानकारी मिलती है, जैसे ओहोल प्रशस्ति से अपन को तत्कालीन समय के अंदर इसकी गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो अपन बात करें जूनागढ़ अभिलेख की गुजरात के अंदर, उसके अंदर तत्कालीन समय में किस प्रकार से जल जो महत्वपूर्ण संसाधन था, तो उनका किस प्रकार से वहाँ पर सरकार उस समय के राजवंशों द्वारा उसका संरक्षण किया गया, उसकी अपन को जानकारी प्राप्त होती है। तो इस पाठ के अंदर मुख्य मुख्य बातें ये अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में दूसरा अपने अध्याय आता है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, जैसा कि नाम ही पता चल रहा है स्वर्णिम पृष्ठ, अर्थात इतिहास के अंदर से वे मुख्य मुख्य राजवंश जिनके बारे में अपन को बिना पढ़े अपन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य के बिना जिस प्रकार से अपने देखा है कि जब सिकंदर का आक्रमण होने वाला था तो उस समय भारत पूरा विखंडित हो रखा था, पूरा विखंडित भारत था, तो ऐसी स्थिति में अपने वहां से एक गुरु निकलते हैं चाणक्य, और जो अपने गदानंद से सहायता मांगने के लिए आते हैं अपने मगध साम्राज्य में, लेकिन गदानंद अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त था और उसकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करते और चाणक्य का अपमान कर देते हैं। तो इस बात से चाणक्य नाराज हो जाते हैं और एक शिष्य बनाते हैं जिसका नाम था, सभी को पता है अपने चंद्रगुप्त मौर्य, और उसी के माध्यम से अपने मौर्य साम्राज्य की नींव रखते हैं। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के उसके मौर्य साम्राज्य में राजा आते हैं और वो उसको सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं, और मगध महाजनपद है एक बहुत बड़ी जनपद के रूप में उभर कर सामने आती है, और लगभग उस समय उत्तर भारत का पूर्ण एकीकरण करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में कुछ राजवंश आते हैं लेकिन वो इतने वैभवपूर्ण नहीं हो पाते, उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। आगे फिर आता है अपने गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने अपने जो जिसके समय में विदेशी यात्री आया था फायान, जिसके इसके बारे में अपने विवरण देता है, तो उसके समय में जो अपने मेहरोली दिल्ली के अंदर एक लोह स्तंभ बना हुआ है जो तत्कालीन समय का बहुत ही अपन को प्रमाणिक स्रोत देता है। उस समय जो जंगरोधी लोहा, वर्तमान में अपन कोई लोहे की छिद्र वगैरह लाते हैं तो 2-4 साल में वो खराब हो जाती है, लेकिन वो आज से हजारों साल पहले लगभग 1700-1800 साल पहले बन के तैयार हुई, और वर्तमान में भी वो ऐसे की ऐसे उसके पर आज भी जंग नहीं लगा है। ऐसे उस समय की जो अपन को कला विज्ञान की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा उस समय के ग्रंथों वगैरह गुप्त काल को पूरे इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर गुप्तोत्तर काल आएगा, उसके बाद में इसमें हर्षवर्धन का काल आता है जिसने कन्नौज को एक मुख्य केंद्र बनाकर पूरे भारत के अंदर उसका मतलब महत्व बढ़ाया, तो उसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। और इसके अलावा दक्षिण भारत के जो अपने बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उनके बारे में मुख्य मुख्य बात पढ़ेंगे। तो इसमें चार इसको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें मौर्य काल में साम्राज्य स्थापना, उसके अलावा उसका प्रशासन कैसा था, उस समय किस प्रकार से व्यवस्थाएं चलती थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात मौर्य काल में जो सम्राट अशोक का धम्म, जिसके बारे में अपन सुनते हैं। मौर्य काल में वैसे भारत के अंदर खूब सारे धर्म चल रहे थे, तत्कालीन समय में अपने हिंदू धर्म का प्रचलन था, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ जटिलता आ गई, कुछ कुटिलता आ गई, तो इसके कारण फिर जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद इसी के पैरेलल उसके साथ में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, तो इसके कारण काफी सारे जो लोग हिंदू धर्म से प्रताड़ित थे उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुए। तो ऐसी अवस्था में फिर उस समय के राजाओं ने भी विभिन्न धर्मों को अपनाया, जैसे अपन देखते हैं कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, इसका मतलब उसके अशोक के ऊपर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव था। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई राजा है जो एक ही धर्म को अपना के रख रहा है, राजा है सभी धर्मों का क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे थे। तो उस समय अशोक ने बराबर की पहाड़ी में विभिन्न प्रकार की गुफाएं बनाकर आजीविकों को दान में दी, तो इससे अपन को पता चलता है कि भाई उस समय कोई राजा है जो पर्टिकुलर अपने धर्म को किसी के ऊपर थोपता नहीं था। तो इस अशोक ने सभी धर्मों को सारांश रूप में लेकर दया दान वगैरह विभिन्न माध्यमों से इस धर्म के जो महत्व को काफी ऊपर उठा लिया था। अशोक का धर्म कोई धर्म नहीं था, वो सभी धर्मों का सार था, अर्क के रूप में था। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि अगर पुष्प लाते हैं तो वो थोड़े समय में खराब हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं पुष्पों से अर्क निकाल के रख देंगे तो कई सालों तक वो खराब नहीं होता है, उसको वो अपनी सुगंध बरकरार रखता है। इसी प्रकार अशोक ने अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए भारत के अंदर उस समय के उसके जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में उसने अभिलेख वगैरह स्थापित किए, जिसका अपन अध्ययन करेंगे इस वैभवपूर्ण अतीत के अंदर जो अपने स्रोत है उसके अंदर अपन पाठ में विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपने आता है
है। दूसरा जो इसमें आता था गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के अंदर भी अपन आर्थिक तत्कालीन समय के आर्थिक जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे, उस समय की कला के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, उस समय के साहित्य के बारे में, क्योंकि उस समय अपन देखते हैं जो साहित्य रचा गया उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कलात्मक वस्तुओं को शामिल किया गया, तो उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो अपन बात करते हैं रामायण और महाभारत की, तो उनको भी गुप्त काल के अंदर ही व्यवस्थित किया गया, और पहली बार जो धर्म के अंदर जो मंदिर बनाने की परंपरा थी वो भी गुप्त काल में शुरुआत होती है, तो ये भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई इस गुप्त काल के अंदर, तो जिसके अंदर जैसे बात करते हैं शल्य चिकित्सा की शुरुआत की सुश्रुत ने वगैरह, इसके अलावा जो अपने सरक संहिता की शुरुआत की, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो उस समय के जो ग्रंथ रचे थे कालिदास वगैरह, पायथागोरस, जो अपने आर्यभट्ट जिसने शून्य का आविष्कार किया, तो ये सारे जो क्षेत्र है इसके अंदर आते गुप्त काल के अंदर, इसीलिए इस गुप्त काल को पूरे इतिहास के काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मैंने बता दिया जो पांच बताए थे, उसके अगला हर्ष का काल, हर्ष के काल के अंदर उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है कि हर्ष के जीजा की मृत्यु हो जाती है, फिर उसका भाई वहाँ पर शासक बनता है, लेकिन उसके भाई का भी हत्या कर जाता है शशांक, तो फिर हर्षवर्धन वहाँ पर कन्नौज के अंदर अपनी राजधानी स्थापित करता है और पूरे उत्तर भारत का एकीकरण करता है, तो इसके अंदर भी महत्वपूर्ण है। और हर्ष के बारे में अपन को ज़्यादातर जानकारी मिलती है उस समय के जो हैंसांग आया था, मैंने पहले बताया कि मौर्य काल के अंदर आया था फायन, उसके बाद में चीनी यात्री, और उसके बाद में आया था हैंसांग जो आया था हर्षवर्धन के समय में सातवीं शताब्दी के आसपास, तो उसने भी बहुत भारत के उस समय तत्कालीन बौद्धिक जो शिक्षा के केंद्र थे नालंदा है, तक्षशिला, उन विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दूसरा पार्ट भी, और अपने इतिहास की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रति साल इसके अंदर से जैसे 15 नंबर बाकी जो 10-10 नंबर के पार्ट है और ये 15 नंबर का पार्ट है, इसका मतलब इसमें से 100% है जो एक बड़ा क्वेश्चन आता ही आता है, तो अपन को इसको विशेष तौर पर इसका ध्यान रखते हुए इस पार्ट को चलना है। उसके बाद में अगला पार्ट आता है अपने बाह्य आक्रमण आत्मसातिकरण, बाह्य आक्रमण मतलब जो भारत के राजवंश तो थे ही, इसके अलावा तत्कालीन समय में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि जो भारत के आस पड़ोस में, भारत के उत्तर में चीन के आसपास के क्षेत्र है या अपने मध्य एशिया के क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से भी विभिन्न जातियों ने क्या किया, भारत में आक्रमण किया है, तो वो आक्रमण होते हैं और उन आक्रमणों से कौन कौन सी जातियाँ करती है, तो उसमें यूनानी जाति है, जैसा कि यूनान से आए थे, अपने नाम सुना होगा सिकंदर के आक्रमण का, तो सबको पता ही है सिकंदर ने आक्रमण किया था, उसका पोरस ने मुकाबला किया था और कहा था कि भाई सिकंदर झेलम नदी पार नहीं कर सका। अब देखो सिकंदर इतना शक्तिशाली शासक होते हुए भी अपने झेलम नदी क्यों पार नहीं करता है, इसके बारे में इसमें विस्तार से पढ़ेंगे कि उस समय पोरस जो अपने कश्मीर के आसपास के हिस्सों का राजा था, तो उसने क्या किया, सिकंदर ने उस समय ज्यादातर राजा है जो डर कर सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, लेकिन पोरस ने उससे क्या किया, मुकाबला किया, उसने अधीनता के लिए जब उसके पास में दूध भेजा तो उसने मना कर दिया कि भाई युद्ध के मैदान में हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, और जैसे ही उनके साथ में युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है, बारिश का मौसम था और एक तीर आके लग जाता है उसके हाथी पर बैठे हुए पोरस के और घायल हो जाता है, फिर उसको बंदी बना के उसके समक्ष लेके जाते हैं अपने सिकंदर के समक्ष, तो सिकंदर से फिर वो वार्तालाप करता है और सिकंदर उससे इतना प्रभावित हो जाता है कि उसको उसकी शासन व्यवस्था वापस दे देते हैं, तो एक छोटे से जनजाति कबीले के जो पोरस थे उन्होंने इतने बड़े महान शासक को प्रभावित कर लिया, तो इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा शक जो शासक हुए जिन्होंने आक्रमण किया और लगभग उनकी 5 शाखाएं पूरे भारत में स्थापित हुई, मथुरा में हुई है, उज्जैन में हुई है, अपने जूना ये गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में स्थापित हुई है, गांधर वगैरह के आसपास में स्थापित हुई है, पंजाब क्षेत्र में स्थापित हुई है, टोटल 5 जातियाँ इनकी स्थापित पुरास जो वंश थे वो स्थापित हुए। इसके अलावा हूण आक्रमण होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के गुप्त काल के आसपास हुए हैं, तो उस समय विभिन्न राजाओं ने इनको मार के हूण हरिण केसरी वगैरह की उपाधियाँ लिए गुप्त शासकों ने। इसके बाद में आता है कुषाण वंश, कुषाण वंश ये सारी जातियाँ उधर क्षेत्रों से प्रस्थान करके आई है क्योंकि वहाँ पर उनको विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया गया या उनके आसपास के क्षेत्रों से आक्रमणों से प्रभावित होकर वो भारत की तरफ आए हैं, और ये सारे आक्रमण भी अपने भारत में कहाँ से होते हैं, अपन बात करते हैं कि भारत उत्तर में हिमालय से सीमा से बना हुआ है, दक्षिण में भारत के तीनों और हिंद महासागर है, अपने इस इधर बंगाल की खाड़ी है और ये तीनों से पानी से घिरा हुआ है, और इधर पूरा मरुस्थली क्षेत्र है तो और इधर भी पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ से तो कहीं आक्रमण होने का नहीं है, यहाँ पर एक हिंदू कुश पर्वत है और उस पर्वत के अंदर अफगानिस्तान और भारत के पाकिस्तान के बीच में पड़ता है, यहाँ पर खेबर और बोलन के दर हैं, उन दरों से मेरे से आक्रमण हुए, चाहे इधर से आक्रमण हुए तो भी इधर से हुए हैं और इधर से आक्रमण सारे आक्रमण इधर से हुए हैं, तो ये मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर अपने हर बार आक्रमण होते रहे हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यहीं से हमेशा आक्रमण हुए हैं और सारे इन हिंदू कुश पर्वत से होते हुए आक्रमण हुए, तो इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे।
करेंगे। और कुषाण शासक जैसा कि मैंने बताया कनिष्क एक महान योद्धा था और उसने पूरे उत्तर भारत को जहाँ पर मौर्य साम्राज्य जितना क्षेत्र उसने स्थापित कर लिया था और उसने एक महत्वपूर्ण जो उस समय उत्तर क्षेत्र ये अपने एक मार्ग चलता था जिसका नाम था रेशम मार्ग, उसने उस पूरे रेशम मार्ग पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था और जिसके कारण उसके काल के अंदर जो रेशम मार्ग से व्यापारी जाते थे उनके ऊपर चुंगी लेता था और जिसके कारण उसके राजस्व में बहुत अभूतपूर्व वृद्धि हुई और जिसके कारण उसके साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के सोने चांदी के सिक्कों के वगैरह ज़्यादा मात्रा में प्रचलन होने लगा। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। अब उसके बाद में ये राजवंश गए कहाँ, तत्कालीन समय में वापस अपने भारत के राजवंश जागृत हुए और उन्होंने इनको ऊपर कंट्रोल स्थापित कर लिया और इन राजवंशों को समाप्त कर लिया। लेकिन इन राजवंशों के साथ में जो जानकारियाँ वगैरह आई उनको भारतीयों ने अपनाया और उनको अपने साथ ही सामूहिक रूप में मिला लिया ये सारे राजवंश। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है आत्मसातिकरण, यानी जो भारत के बाहर से आते हैं उनके साथ में घुल मिल के उनके जैसे बन जाते हैं। तो इसी प्रकार इस आत्मसातिकरण की विशेषता के कारण भारतीयों ने उनको पूरा मिला लिया। फिर अगला अपने पार्ट आता है मुस्लिम आक्रमण और इसके उद्देश्य और प्रभाव। अब देखो ये मैंने यहाँ लिखा है मुस्लिम आक्रमण और ऐसे इस पार्ट का नाम दे रखा है मुगल आक्रमण। अब मुगल आक्रमण अपन इस पार्ट को इसलिए के नहीं कह सकते हैं क्योंकि मुगलों का तो सबसे पहले अपने आक्रमण किया बाबर ने 1526 के आसपास, तो उससे पहले भी मुस्लिम आक्रमण तो हुए हैं जिसमें अपने सल्तनत काल इनकी स्थापना वगैरह कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह इनके द्वारा इसकी स्थापना की। और उससे पहले भी अपने देखते हैं मोहम्मद गौरी है, गजनवी है और उससे पहले जो अपने मीर ये कासिम के द्वारा जो अपने सिंध क्षेत्र में आक्रमण किया था और दाई सेन को हराया था। तो इसलिए अपन को इसको तीन भागों में मुख्य रूप से बांटेंगे जिसमें पहला है अरब आक्रमणकर्ता जो अरब क्षेत्र के अपने तत्कालीन समय में तुर्की आक्रमण अरबी क्षेत्र के जो सल्तनतकालीन शासक थे उनके द्वारा आक्रमण किए गए जिसमें अपने इनको इस संदर्भ में पढ़ेंगे। जो बाहर से आक्रमण करें उनके संदर्भ में न पढ़कर अपने स्थानीय जो शासक उनका प्रतिरोध करेंगे उनके संदर्भ में पढ़ेंगे। पहले जो किताब थी उसमें अपन पढ़ते थे कि भाई अकबर ने कहाँ कहाँ आक्रमण किया और कौन कौन से क्षेत्र को जीता या कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन से क्षेत्र पर आक्रमण किया, इल्तुतमिश ने कौन कौन से क्षेत्र पर आक्रमण किया, मोहम्मद बिन तुगलक या ये इनके किस किस क्षेत्र पर आक्रमण किया। लेकिन वर्तमान में जो पुस्तक है उसके अंदर अपन इस संदर्भ में पढ़ेंगे कि अपने स्थानीय शासकों में से किन किन शासकों ने उनका प्रतिरोध किया और किस प्रकार से प्रतिरोध किया, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अपने दाई सेन। दाई सेन के समय में मीर जो कासिम का आक्रमण होता है और फिर उनकी जो दोनों पुत्रियों को बंदी बनाकर लेके जाता है, ये सारी कहानी अपन आगे के जो पार्ट में विस्तृत से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बंदी बनाकर उनकी बेटियों को लेके जाते हैं खलीफा के पास में और खलीफा से भेंट होती है और खलीफा फिर उनसे जो उनकी बेटियाँ कहती है कि भाई हमें भेजने से पहले हमारे साथ अनुचित कार्य कर दिया है इन्होंने मीर कासिम ने, तो फिर खलीफा नाराज़ हो जाता है और मीर कासिम को बंदी बना के बैल के खाल में सिलवा के वहाँ तक खींच के लेके जाता है और वो मर जाता है। फिर उनकी बेटियाँ हंसते हुए कहती है कि भाई हमने पिताजी का बदला ले लिया। तो ये सारी कहानी इसमें पढ़ेंगे दाई सेन वाले। फिर आती है नागभट्ट जो अपने अजमेर के तत्कालीन गुजर प्रतिहार राजवंश के शासक थे, इन्होंने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर बप्पा रावल जो अपने तत्कालीन समय में गुल प्रतिहार राजवंश से संबंधित है चित्तौड़ से, उन्होंने किस प्रकार से इनका प्रतिरोध किया अरब आक्रमणकर्ताओं का और ठेर उनको बाहर तक खदेड़ दिया। फिर पाकिस्तान में जो अपने वर्तमान में भी रावलपिंडी नाम है वो इन बप्पा रावल के नाम से पड़ा है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और तत्कालीन समय में और इसके अलावा नागभट्ट वगैरह किस अजयपाल वगैरह ने किस प्रकार से राज्यपाल अजयपाल ने इनका विरोध किया इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आता है तुर्क आक्रमणकर्ता जिसके अंदर कहानी आपने सुनी हुई है कि उस समय जो के अष्ट 24 गज 7 अंगुल अष्ट प्रदान वाली जो कहावत है उसके अंदर जो पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रकार से उसको शब्द भेदी बाणों के माध्यम से उसको मार दिया था अपने मोहम्मद गौरी को 1191 और 1192 में जो आक्रमण हुए त्रैन का प्रथम और त्रैन का द्वितीय, जिसमें पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जीतता है और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान क्या करता है हार जाता है। तो इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे किस प्रकार से इनका संयोगिता का स्वयंवर होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान उठा कर लेके आ जाता है संयोगिता का और कैसे उनके संयोगिता के पिता है जो जयसंद इनसे गौरी को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है, ये सारी कहानी इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है अपने इनके अलावा तुर्क आक्रमणकर्ताओं के ये साथ ही चलते हैं सल्तनतकालीन अपने अलाउद्दीन खिलजी के जो राजस्थान पर आक्रमण हुए हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से अपने जो क्षेत्र थे प्रमुख रूप से, वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की है, दक्षिण भारत में भी अपने क्षेत्रों में आक्रमण किया है, इसके अलावा गुजरात में आक्रमण किया है, चित्तौड़ पर आक्रमण किया है, इसके अलावा अपने रणथंभौर पर आक्रमण किया है, जालौर पर भी अपन जालौर की कहानी सुनते हैं कि किस प्रकार से जो सोमनाथ को लूट के लेके जा रहे थे उस समय उनके विवाद उत्पन्न हो गया और जालौर के शासक कानड़ देव ने उनको लूट लिया, इसके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा जो मुख्य रूप से इनका प्रतिरोध कहाँ का हुआ
हुआ है वो जैसे रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर ने मेरे चौहान ने किस प्रकार से इनका मुकाबला किया और क्या कारण ऐसे रहे जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे चौहान पर आक्रमण किया वो पढ़ेंगे। रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे जो पद्मिनी वाली कहानी आपने सुनी होगी बहुत बार कि हीरामन तोता है जो आकर पद्मिनी की खूबसूरती का वर्णन करता है और रावल रतन सिंह उससे प्रभावित होकर सिंहलदीप चला जाता है उसको लेके आता है फिर वापस एक जो साधु होता है उसके द्वारा इसके अलाउद्दीन खिलजी के सामने उसकी प्रशंसा की जाती है जिसके ऊपर बहुत सारी पिक्चर भी बनी हुई है तो इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद में कुंभा जो एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था और जिसने अपने मेवाड़ क्षेत्र के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाया जिस प्रकार अपन कहते हैं कि भाई गुप्त काल के अंदर जिस प्रकार कला विज्ञान साहित्य का विकास हुआ है वैसे कुंभा के काल के अंदर बहुत सारे दुर्गों का निर्माण हुआ। इसके अलावा जो अपन नाम सुनते हैं विजय स्तंभ जो कीर्ति स्तंभ कहा जाता है अपने बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में उसका निर्माण हुआ तो ये इनके बारे में कुंभा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा कुंभा है जो संगीतज्ञ कला में भी विशेष रुचि रखता था तो उसकी जो उपाधियाँ वगैरह इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है मुगल आक्रमण। मुगल आक्रमण में अपन ने देखा कि भाई राजवंश हुए हैं जिसमें बाबर के बाद में अपने आता है हुमायूं के बाद में अकबर आता है अकबर के बाद में जहांगीर के बाद में शाहजहां और शाहजहां के बाद में अपने औरंगजेब और इनके साथ में राजस्थान के राजाओं के कौन कौन से संघर्ष हुए जैसे अपन बात करते हैं इसके अंदर पढ़ेंगे राणा सांगा के साथ में तो सांगा का युद्ध किससे हुआ है अपने बाबर से तो इसके बारे में सांगा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा चंद्रसेन का नाम सुना होगा भुला विशाल राजा अपने जो जोधपुर के राजा था और इन्होंने किससे लोहा लिया है अपने अकबर से तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा महाराणा प्रताप भी किससे संघर्ष करते हैं अकबर से संघर्ष करते हैं तो इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा दुर्गादास राठौर है जो जसवंत सिंह का मंत्री था और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में उनके बेटे अजय सिंह वगैरह को लेकर इनका लंबा संघर्ष चलता है औरंगजेब के साथ में और वो उनके औरंगजेब के पोतों पोतियों को भी शिक्षा देते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण अपने जो जोधपुर के मान सम्मान की बात करते हैं दुर्गादास राठौड़ तो इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर शिवाजी महाराज जिनके बारे में सुना ही होगा कि भाई जो भारतीय हिंदुत्व को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण रखते थे और मराठों को एकीकृत संगठित करने का महत्वपूर्ण रोल निभाया तो शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। उनका भी संघर्ष औरंगजेब के साथ में होता है और किस किस प्रकार से कौन कौन से दुर्गों को जीतते हैं और उनका संघर्ष चलता है लंबा वो सारा इसमें पढ़ेंगे। फिर राजा उनके पुत्र आते हैं साहू राजाराम वगैरह उनकी जो पुत्र वधू वगैरह उनके साथ में किस प्रकार से उनकी स्थिति परिस्थितियाँ रहती है उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर आते हैं पेशवा क्योंकि जो शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी उसके अंदर जो उनके एक पद जो अष्ट प्रधान होते थे उसमें एक पेशवा का पद नया सृजित हुआ और वो पेशवा धीरे धीरे इतना शक्तिशाली हो गया कि शासक का पद समाप्त करके खुद पेशवा ही मुख्य बन गया। तो उस समय कौन कौन से पेशवा हुए बालाजी विश्वनाथ बालाजी बाजीराव जो अपने एक पिक्चर बनी हुई है बाजीराव मस्तानी वगैरह तो वो सारे किस प्रकार से क्या क्या घटनाक्रम होते हैं वो सारे इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो ये मुख्य रूप से चौथा पार्ट है जो मुगल आक्रमण। फिर आता है अपने अगला पार्ट उपनिवेशवादी आक्रमण। यहाँ से अपने ये मध्यकाल और दो पार्ट तो ये स्वर्णिम वैभवपूर्ण अतीत और इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ ये तो हो जाएंगे अपने प्राचीन काल के जो इतिहास को अपन देखते हैं तीन भागों में बांटा जाता है प्राचीन मध्य और आधुनिक काल। तो इसमें पहला तो ये दो पार्ट हो जाएंगे अपने प्राचीन काल के फिर मध्यकाल की शुरुआत होती है और जिसमें ये भी प्राचीन में शामिल है बाह्य आक्रमण हूण और यूनानी वगैरह मध्यकाल की शुरुआत होती है अपने ये चौथा पार्ट में जिसमें तीनों अपन ने तीनों पढ़ लिए हैं पढ़ेंगे जो अपन अरब आक्रमण तुर्क आक्रमण और मुगल आक्रमण ये तीन इस मध्यकाल को एक ही पार्ट में अपन पूरा कर लेंगे। और फिर आता है अपने आधुनिक काल की शुरुआत होती है। माना जाता है कि भारत में आधुनिक काल की शुरुआत होती है 1757 के अंदर जो प्लासी का युद्ध होता है उसके बाद में यहाँ पर अंग्रेजों की नींव जो मजबूत होना शुरू हो जाती है। तो 1757 से लेकर अपने जो आधुनिक काल की शुरुआत होती है और वो वर्तमान तक भी जारी है। तो ये सारे पार्ट है कि किस प्रकार से उपनिवेशवादी आक्रमण होते हैं कैसे ये सारे देश अपने भारतीयों को उपनिवेश में परिवर्तित कर देते हैं और उसके बाद में आधुनिक भारत का स्वाधीनता संग्राम भारत पूरा गुलाम हो जाता है और उसके बाद में किस प्रकार से संघर्ष चलता है और भारतीय लोग जागरूक होते हैं और उसके बाद में किस प्रकार से उसका मुकाबला करते हैं वो सारा इस पार्ट में आएगा और आज़ादी प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ में ये इतिहास का जो
पार्ट होता है भारतीय इतिहास का, वो इसमें पूरा हो जाएगा। फिर अपने सातवां पार्ट आएगा, उसमें राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, यानी आधुनिक जो राजस्थान हुआ उसमें किस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए राजस्थान ने संघर्ष किया, कौन कौन से क्षेत्रों में संघर्ष हुआ, किस प्रकार से मैकमोहसन ये की हत्या कर दी गई, मेजर ब्रिटन की हत्या कर दी गई, कोटा में कैसे विरोध हुआ, विद्रोह हुआ, ये सारा इसमें पढ़ेंगे। और फिर होता है राजस्थान का एकीकरण, एकीकरण के अंदर राजस्थान को सात चरणों में किस प्रकार से अपने महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी दी, वो सारा देखेंगे। तो अभी विस्तार से देखते हैं अपन पांचवें पार्ट के बारे में, उपनिवेशी आदि आक्रमण, इसमें पढ़ेंगे अपन किस प्रकार की भूमिका बनी, यानी अंग्रेजों को ऐसा क्या हुआ कि तत्कालीन समय में, जैसा कि 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि उस समय विश्व के अंदर आधुनिकीकरण की शुरुआत होती है, जिसके इसका मुख्य कारण था उस समय तत्कालीन समय में जो धर्म के अंदर रूढ़ियाँ थी पुनर्जागरण के कारण वो समाप्त हो गई। उसके बाद में लोग है जो व्यापार वाणिज्य के लिए बाहर वगैरह आने जाने लग गए। इसके बाद में तत्कालीन परिस्थितियों के अंदर धर्म सुधार हुआ और फिर अपने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। अब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के कारण क्या हुआ, जो वस्तुएं हैं सरप्लस में बनना शुरू होगी। अब ज़्यादा वस्तुएं बनेगी तो उसके लिए नए मार्केट की आवश्यकता होगी, उनको कहाँ बेचे, तो इसलिए नए मार्केटों की तलाश के अंदर उस समय उपनिवेश की शुरुआत होती है। अब शुरुआत में तो ये व्यापारिक उद्देश्य से सभी देशों में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनको पता चलता है कि उन क्षेत्रों में बहुत सारे अथाह भंडार भरे पड़े हैं खनिजों के वगैरह, तो उनका वो शोषण करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनको अपना गुलाम बना देते हैं। तो इनकी भूमिका, उत्पत्ति और विस्तार, किस प्रकार से विस्तार होता है, अब विस्तार के बारे में बात करें तो अपना विशाल भारत देश है उसके अंदर तत्कालीन समय में देखो मुख्य रूप से ये मुगल तो कमजोर हो गए थे, उस समय मुगल थे, मराठा थे, राजपूत थे, मैसूर था जिसमें हैदर अली है, टीपू सुल्तान है, राजपूत राजवंश अपने राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में थे, मराठा राजवंश उसमें पेशवाओं का शिवाजी चले गए थे और पेशवाओं का समय था, पेशवाओं का शासन था, तो ये सारा आ जाएगा। और मुगल उस समय कमजोर हो रखे थे, मुगलों ने मराठों से संरक्षण ले रखा था, उनके बदले के भाई हमें सुरक्षा दीजिए, उसके बदले हमारे क्षेत्र से आप टैक्स वसूल कीजिए, तो मुगल तो वैसे कमजोर हो रखे थे। और उस समय सबसे धनी अपने भारत में क्षेत्र था वो था बंगाल वाला क्षेत्र, तो मुख्य रूप से अंग्रेजों ने इसी क्षेत्र से प्रवेश किया, जो अपन बात करते हैं 1757 के संघर्ष की, वो भी इसी क्षेत्र में हुआ था, लेकिन ये एक झड़प मात्र था। फिर इसको और विस्तृत रूप में जब 1766 के अंदर होता है बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, उस समय मुगलों को और बंगाल को और एक और क्षेत्र होता है अवध क्षेत्र, उस क्षेत्र को तीनों शक्तियां मिली और इधर से अंग्रेज, और फिर इसमें भी कौन जीते, अंग्रेज जीते। तो अब अंग्रेज इसी एक ही युद्ध में तीन जनों को हरा दिया, अवध को हरा दिया, मुगलों को हरा दिया और अपने बंगाल को हरा दिया, तो पूरे उस समय उस एक मुख्य क्षेत्र था जो उसके हाथ में आ गया, तो ये इसमें अपन देखेंगे। और फिर किस प्रकार से अपने चार युद्ध होते हैं मैसूर के साथ में, तीन युद्ध होते हैं मराठों के साथ में, उसके अलावा एक और जो मुख्य जाति थी जिसका नाम था सिख जाति, तो सिख जाति से किस प्रकार से संघर्ष हुआ वो भी इसके अंदर अपन विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आता है अपने 1857 की क्रांति। अब पूरे भारत में जब उनका अधिकार हो गया तो फिर उनका मुकाबला करने के लिए भारतीयों के अंदर क्षमताएं थी नहीं, तो धीरे धीरे कुछ क्रांतिकारी आए और उन्होंने इनको जागरूक किया, और जागरूक करने के बाद में पूरे भारत में उस समय क्या हुआ, क्रांतिकारी घटनाक्रम हुआ, और उस घटनाक्रम में उन्होंने इनका अंग्रेजों का बहुत ही मजबूती से विरोध किया, जिसमें अपन 1857 की क्रांति, ये गांठ बांध के ले लो अपने, जो आज ही समझ दो कि मैंने पेपर लीक कर लिया है, एक सवाल इस पार्ट के अंदर से 1857 की क्रांति से 100% पूछा जाता है, चाहे वो उसका कारण हो, चाहे उसके परिणाम हो, चाहे उसकी परिस्थितियाँ हो, यानी किसी ने इसको सैनिक विद्रोह कहा है, किसी ने जनजाति विद्रोह कहा है, किसी ने अपने स्थानीय लोगों का विद्रोह कहा है, किसी ने तत्कालीन समय के जमींदारों का विद्रोह कहा है, तो ये किस प्रकार से इस क्रांति का स्वरूप था वो सारा इसमें आ जाएगा। तो 1857 का स्वरूप, कारण और परिणाम पढ़ेंगे, ये पांचवा पार्ट पूरा हो जाएगा। फिर आता है आधुनिक भारत का संविधान, स्वाधीनता आंदोलन, मतलब जीत के लिए जो भारत अब गुलाम हो गया है, अब गुलाम होकर वापस कैसे आ जाए, दो उसके लिए इसका अंदर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है टॉपिक है जो सामाजिक आंदोलन। अब सामाजिक आंदोलन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे, तो इसके अंदर तीन मुख्य रूप से, अब इनमें से भी तीनों में से प्रमुख रूप से सवाल अनिवार्य रूप से आता है, जिसमें एक है ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। फिर दूसरा आता है अपने आर्य समाज के अंदर, जैसा कि नाम सुना होगा सबने, जो है अपने स्वामी दयानंद सरस्वती। और फिर आता है तीसरा अपने, जिसका नाम है अपने
रामकृष्ण मिशन, इनके बारे में तो सबने सुना ही होगा। रामकृष्ण मिशन जिसका स्वामी विवेकानंद, जिसमें इन्होंने जो धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, उसमें अपनी दी थी स्पीच। फिर है क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन में जनजातीय प्रतिरोध, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, गदर पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, इनके बारे में विवरण विस्तार से पढ़ेंगे। और फिर आते हैं अपने महात्मा गांधी जी, जिन्होंने किस प्रकार से लंबी संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी दिलाई। तो ये अपन कल से विधिवत रूप से इसको एक एक टॉपिक को लेकर हुए पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और फायदा मिल सके। इसी के साथ मैं आज के जो लेसन को ये विराम देता हूँ। धन्यवाद।